नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है, नासिर असलम वानी क्या कुपवाड़ा के लिए तैयार है? अभी मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है कि मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ, और जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर तौर पे इलेक्शन के मैदान में भी आना पड़ेगा। आदाब, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त इस वक्त वादी कश्मीर से आपसे मुखातिब हूँ। ये एक सरहदी जिला है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, सूबाई सदर, और इनका जो सियासी कद है ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सब कैमरे भी है। नासिर असलम वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तौसीफ जी। आज पहली बार आपसे मुखातिब हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ अवामी सतह पे, अवामी रिलेशनशिप में क्या है? देखिए जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के साथ रابطہ रखा है, लोगों की मुश्किलात को हमेशा दूर करने की कोशिश की है, चाहे हम सरकार में रहें या अपोजिशन में रहें, या बिल्कुल जो 19 के बाद जो यहाँ सियासी हालात बने इस दौर में रहे, हमने हमेशा लोगों की मुश्किलात को आइडेंटिफाई किया है और कोशिश की है कि उनका उनकी जो है मुश्किलात ग्राउंड पर जो उनके हालात हैं वो उन क्वार्टर्स तक पहुंचा पाए जहां उनका मुदावा हो सके। उसका एक सिलसिला भी चल रहा है, आपने देखा होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब ने तीनों जोनों की मीटिंग की, पहले नॉर्थ जोन की फिर साउथ जोन की फिर सेंट्रल जोन की, और इन सब मीटिंगों में इसी बात की ताकीद की गई कि हम अवामी रबता ज़्यादा से ज़्यादा कायम करें। और ये कोई इलेक्शन से वाबस्ता बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत इलेक्शन के ताबे नहीं है, लेकिन एक अवामी तहरीक के होते नाते हमने हमेशा अपना रोल अदा करने की कोशिश की है। इस वक्त नेशनल सियासत पे हम बात करेंगे। 11 तारीख की एक बहुत बड़ी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ क्या है? मौका बिल्कुल वाजह है, हम पटिशनर हैं इस केस के, हमने ये जो है रिट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। अल्लाह का शुक्र है कि देर आयत लेकिन दुरुस्ती हो, और ये सुनवाई का डेट हमको मिला, होना तो कायदे से बहुत पहले था, लेकिन क्या वजूहत हुई, शायद उनकी अपनी इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी, और ये कोई छोटा बेंच नहीं है जिसको इन्होंने किया। हम तो शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस साहब के कि उन्होंने इतना हाई पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट किया, और उसकी हेयरिंग पहली हेयरिंग 11 को है। उम्मीद यही होगी कि हमको वहाँ से जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। रियासती सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए क्या तैयार है? देखें जनाब, सियासी तौर पे देखें तो एक सियासी पार्टी होने के नाते हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार, क्योंकि सियासत में जो मकसद होता है इलेक्शन का वो आवाम की खिदमत करने का एक ज़रिया बनने का होता है, और हुकूमत होने से उस जगह पे होने से वो जो अवामी ताकत है वो होने से आप उनकी मुश्किलात दूर कर सकते, जो एक एलजी इंतज़ामिया से उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक एलजी, एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान यहाँ इस वसी जो पहले रियासत थी अब यूनियन टेरिटरी है इसको जो है इसकी मुश्किलात को न समझ सकते हैं न दूर करने की उस पोजीशन में है। यहाँ अवामी नुमाइंदों का होना बहुत ज़रूरी है, और वही एक वजह है कि हम उनसे बोलते हैं कि अगर आप सारे मुल्क में इलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ भी अभी हालिया दिनों में ये भी ऐलान हुआ कि यहाँ म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन होंगे, जो कॉरपोरेशन हैं श्रीनगर और जम्मू में उसके इलेक्शन होंगे, फिर पंचायत के इलेक्शन होंगे, और पार्लियामेंट के भी होने वाले हैं अगले साल के शुरुआत में। तो अगर ये सब इलेक्शन आप कर सकते हैं और सब इलेक्शन करने की आप समझते हैं कि हालात मौजूद हैं, तो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं? तो ये कोई हमारी ज़ाती गरज नहीं है और कोई हमारी अपनी ज़ाती इसमें कोई लालच नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। और ये आप भी जाते होंगे, जगह जगह आप भी घूमते हैं, लोगों की दिल की बात अगर आप पूछें वो कहते हैं किसी तरह से अवामी हुकूमत आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इक्तदार में हूँ कैसे, मैं बता देता हूँ। तीन अगर इस वक्त स्टेट में अगर पार्लियामेंट मेंबर है वो तीनों
नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। एक बड़ी उम्मीद लगाई थी कौम ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा जब पार्लियामेंट में जाएगा वो वहाँ पे गरजेगा, लेकिन अकबर लोन साहब कहाँ है हमें पता है, उसकी सेहत ख़राब है ये हम भी जानते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब जल्दी करे। लेकिन उसके बरक्स पार्टी सतह पे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कोई जिम्मेदारी बनती है अकबर लोन साहब के तई? जनाब आपने इस सवाल का खुद ही जवाब दिया, अल्लाह उनको सेहत दे। वो अचानक इतनी सेहत उनकी ख़राब हो गई कि हम लोग भी हैरान हो गए कि वो उनकी हालत पहले जो थी वो वाकई तौर पे गरज थे, लेकिन सेहत ने अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, उनकी सेहत ने इजाज़त नहीं दी। बाकी ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत जो उनकी जिम्मेवारी मान लीजिए जो पूरी करनी थी, चाहे उनके MP फंड्स के हवाले से या बाकी जो है उनके साथी जितने भी यहाँ लोकल नुमाइंदे हैं वो करते हैं, और उस प्रोसेस को हमने रुकने नहीं दिया। अब ज़ाहिरी बात है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद मौजूद ना हो तो दिक्कत ज़रूर आती है, और वो दिक्कत हम वाकई तौर पे मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा, वो दिक्कत हम ग्राउंड पे महसूस करते हैं। लेकिन इसका कोई मुतबादल नहीं है हमारे पास, ये कोई ये नहीं है कि कोई मैच चल रहा हो तो मैं एक प्लेयर को वापस रिकॉल करके नया प्लेयर डाल सकूँ, ये तो है ही नहीं। अपनी टर्म तक तो वो पूरे वहाँ रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है, नासिर असलम वानी क्या कुफारा के लिए तैयार है? अभी मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है कि मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ, और जब इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर तौर पे इलेक्शन के मैदान में भी आना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप सही है तो मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से, क्योंकि नया नुमाइंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने टॉप लीडरशिप में से कुफारा को दिया, इसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन आपके तई जो आप खुद पे जिम्मेदारी आयद करते हो, पहली जिम्मेदारी क्या रहेगी? देखिए जनाब, जो आपने ये नए की बात की इसको मैं थोड़ी आगे ले चलता हूँ। नए मैंने जब सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो यहीं से किया है, हमारे तीन पुश्तें सियासत यहीं से करते आ रहे थे। मेरे दादा, शायद आपको वाकफियत हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, फिर मिनिस्टर भी थे। मेरे वालिद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, यहाँ के ज़िले के उस वक्त ज़िले का सदर और नायब सदर होना बहुत बड़ी बात थी, तो वो काफ़ी देर तक वो रहे। फिर मैंने जब सियासत का आगाज़ किया तो इसी एरिया से किया, लोलाब को उस वक्त उम्मीद थी कि मैं वहाँ लड़ पाऊँ, लेकिन पार्टी का हुक्म हुआ कि यहाँ से हम मुझे उठा के श्रीनगर में लाल चौक सीट पे लड़ाया गया। तो अल्लाह का शुक्र है और आप सब लोगों के साथियों की दुआएं थी, मैं वहाँ जीत के फिर मिनिस्टर भी बना। लेकिन आज अल्लाह का करना था कि यहाँ जब डिलिमिटेशन हुई, इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग जो मैं अपने लिए भी देखता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हमेशा दिल में ये रहा कि हम अपने यहाँ ज़िले की खिदमत कर सकें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें, वो एक मौका मिला है इस डिलिमिटेशन की वजह से। जब यहाँ एक सीट इजाफी उन्होंने जो है डिलिमिटेशन में निकाली, तो उस वजह से किसी को डिस्टर्ब किए बगैर मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ वापस आ सकूँ। वापस आने का जो आपने कहा जी आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा और क्या मिशन रहेगा करने के लिए, पहली प्रायोरिटी क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे का इशू है, यहाँ पे हॉस्पिटल का इशू है, एजुकेशन का इशू है। अगर हकीकत सुने आप तो आसिफ जी, यहाँ हर कोई चीज़ पहला है इस हवाले से। इंस्पेक्ट मैं बताऊँ क्यों, ये सबसे दूर दराज इलाका है। मैं हमेशा कहता आता हूँ जब शहर से डेवलपमेंट की काम की आगाज़ होती है, वो शुरू होते होते शहर से हमेशा चलता है और हमारे ज़िले तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाता है, या उसकी फंडिंग रुक जाती है या वो स्कीम ख़त्म हो जाती है, हमको उसका कोई उस खातिर का फ़ायदा नहीं मिलता। मेरी यही गुजारिश होगी आने वाली सरकार से, और अगर अल्लाह ने चाहा, आपने जैसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, तो डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हम अब इसी ज़िले से शुरू करके आगे ले जाएंगे। अगर फंडिंग भी किसी काम की करनी हो तो यहाँ से शुरू करके वो आगे को चले, कभी हम भी शुरुआत किसी चीज़ की देखें। कुछ चीज़ों में हम खुद भी जिम्मेवार हैं, मान लीजिए आपने 4 लेनिंग की बात की, साउथ कॉरिडोर भी बन गया, अगर आप देखें गुलमर्ग रोड भी बन गया, इसकी तरफ क्योंकि एक बेशतर हिस्सा इसका BRO के पास था, उन्होंने भी नहीं किया, अब वो कर रहे हैं उड़ी की वजह से, वो हमको लगता है कि संग्रामा तक रोड वाइडन हो जाएगा, और उसके फिर संग्रामा से लेके कुपारा तक अभी कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है जो करनी लाजमी है, और ये कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें दोनों तरफ जो सड़क के जो मफलर है उसमें कोई एक्विजिशन की ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट का लैंड है दोनों तरफ से, वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि इसका कनेक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह में
कनेक्टिविटी बेहतर हो, वहाँ खुद ब खुद तरक्की भी आ जाती है, वहाँ खुद ब खुद डेवलपमेंट भी पहुँचती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और हम ये कहते हैं कि अगर आप ट्रेन का सफ़र बारामूला तक कर सकते हैं तो क्या वजह है कि बारामूला से कुपवाड़ा तक के पैच को छोड़ा जाए। अब हमने सुना है कि उसकी DPR बन रही है फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रेलवे लाइन। DPR के साथ साथ हम ये भी उम्मीद करेंगे कि उस पर काम भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए मुश्किलात है। एक टाइम होता था आदमी श्रीनगर से पूरा, जहाँ से मैं रहता हूँ सोगाम, वहाँ तक डेढ़ घंटे में, एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाता था। आज कुपवाड़ा पहुँचते पहुँचते ढाई घंटे से कम वक्त नहीं लगता, कभी कभी 3 घंटे भी लगते। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़रूरी है। फिर हेल्थ केयर का बड़ा एक मसला है हमारा। अभी जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायदे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं, इसके पीछे आपकी ही जिम्मेदारी है। मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को जिम्मेवार मानता हूँ क्योंकि मैं भी इसी इलाके से हूँ। जिम्मेवारी जिसकी भी हो, लेकिन कहीं तो आगे चल के उसको कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये तो आप मानते हैं। पीछे अगर हम वो गिनते रहे कि मेरी गलती थी या मेरे जो अपोनेंट्स की गलती थी या किसी और की गलती थी, उसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत अब नहीं है। कुपवाड़ा को आगे लाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरत है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। उसकी वजह से ये हुआ, देखिए कुपवाड़ा अगर ज़िला हॉस्पिटल होता तो शायद यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज मिलता, क्योंकि स्कीम वो कनेक्टेड थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, उससे भी हम महरूम हो गए। फिर अगर आप देखें टाउन का, मैं इनको अक्सर जिक्र करता हूँ, यहाँ पे सजाद गनी लोन बोलता है, मैंने वो कर दिया, वो मेरा काम है वहाँ पे, जो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे आया है। अगर कॉन्शियसली लेवल की सोच है तो फिर उन्होंने ठीक किया, लेकिन अगर ज़िले के लिहाज से पूरी आप देखें तो फिर कायदे से सब जगह फैलाव होना चाहिए। ये सब कुछ अपनी कॉन्शंसी के लिए सोचें तो ये कोई सही न सियासत है, न वो एक अपने लोगों की तरह तहीं वफादारी है। सब कुछ कॉन्शंसी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं कह रहा था, जैसे कुपवाड़ा टाउन की बात करें, लगता नहीं है कुपवाड़ा कोई टाउन है इस वक्त, सॉरी टू से, मतलब थोड़ा सा आपको भी लगेगा अजीब सा। या तो यहाँ अड्डे हैं या दुकानें हैं, कोई कैरेक्टर नहीं है कुपवाड़ा टाउन का। हमको सबसे पहले यह एक मल्टी लेवल पार्किंग की यहाँ बहुत ज़रूरत है, ताकि गाड़ियाँ पार्क हों और जो यहाँ पे बस अड़े हैं उनको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से कहीं रखा जाए। अदरवाइज़ अगर आप कोशिश करके भी पीक आवर में निकलें, यहाँ से रिकीपुरा तक आपको आधे घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा, जो मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर जगह होगी। तो इस सारे जो है ज़िला हेडक्वार्टर को थोड़ा सा ईज आउट करने की ज़रूरत है।